Bismillah and assalamu alaikum and welcome back to my channel Learn English with Amna. आज का हमारा टॉपिक अगेन डिफरेंस पर है डिफरेंस बिटवीन इंग्लिश एंड द इंग्लिश ठीक है अक्सर लोग इसके बीच में जो है वो जो डिफरेंस होता है उसके बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं तो मैं आज के लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ इंग्लिश और द इंग्लिश में क्या डिफरेंस है चलें सबसे पहले बात कर लेते हैं इंग्लिश यू नो वेरी वर्क इट डिनोट्स लैंग्वेज यू नो द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज लैंग्वेज यू नो

जैसे फॉर एग्जाम्पल हम को एग्जाम्पल ले लेते हैं आई कैन स्पीक इंग्लिश वेल इसका मतलब होता है कि मैं इंग्लिश अच्छी तरह से बोल सकता हूँ या सकती हूँ ठीक है इंग्लिश क्या है इंग्लिश बेसिकली एक लैंग्वेज है एक जुबान है डिफरेंट तरह की लैंग्वेजेस होती हैं uh, हम अपनी सोसाइटी में देखें तो पंजाबी होती है उर्दू होती है हिंदी होती है डिफरेंट तरह की लैंग्वेजेस होती हैं तो इंग्लिश जो है वो एक लैंग्वेज है नेक्स्ट है दी इंग्लिश अगर दी इंग्लिश की बात करें तो इट डिनोस दो तो पीपल और कम्युनिटी हु स्पीक इंग्लिश दी इंग्लिश होता है कि वो पीपल और कम्युनिटी होती है जो कि इंग्लिश बोलती है इंग्लिश एक लैंग्वेज है ठीक है दी इंग्लिश जो है वो वो लोग होते हैं जो कि इंग्लिश बोलते हैं ठीक है वो लोग होते हैं जो इंग्लिश बोलते हैं आई थिंक आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो